स्वादिष्ट। दो दो चटनी वाले, एक में प्याज नहीं और एक मायो गार्लिक। अब हम रमजान में टिकटॉक कुकिंग शो करेंगे, टिकटॉक कुकिंग शो, ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे। और आप आएंगे नहीं, हम बनाएंगे। अच्छा, कोई आपके जानने वाले में ऐसे जहरीले लोग हैं जो इफ्तार से 10 मिनट पहले ऐसी खाने की वीडियोस भेजें, रील्स भेजें? नहीं, मेरे तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे दोस्त हमने पाले और ऐसे ऐसे खाने आते हैं। ओह, वो मंदिर अरबी खाने नहीं होते जिसमें मीट निकल रहा होता है? खाना देख लूं ना रोजे में तो फिर मेरी तो भूख, इसलिए मैं भूखी लगा के देख लेती हूँ वो यूट्यूब पे जो खाती रहती है ना, भूख मेरी मिट जाती है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मिट जाती है। हम रोजे की हालत में अपने ऐसे दोस्तों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लगती भी है उन्हें। हमारे सामने ही पता चल जाता है, किसी का मनहूस का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ होता है, ऐसी वीडियोस भेजते हैं वो हमें। पकोड़े चटनी के साथ। किसके साथ? नहीं, मैं कहती पकोड़े के साथ चटनी, 5-6 चटनी अलग अलग किस्म की बनती है। टमाटर की चटनी बना लेती है, टमाटर की चटनी, मैं हरी चटनी बहुत अच्छी बनाती हूँ, पुदीने वाली। हाँ, मिंट, गुड, यस, वेरी गुड। और वो लहसुन की चटनी होती है लाल मिर्चों के साथ जो बनती है, इमली की चटनी होती है मीठी वाली, आलू बुखारे की चटनी होती है वही मीठी होती है, और बहुत सारी चटनी होगी। मेरे ख्याल में अगली वीडियो देखो। अब चले, अब आगे। हाँ, कर लो कमरा साफ कर लो, बहुत गंदा कर दिया। बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।